टॉप 8 इंटरपर्सनल स्किल्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके करियर ग्रोथ के लिए। इसको यूजुअली अवॉइड किया जाता है क्योंकि ज़्यादातर लोगों का फोकस होता है टेक्निकल स्किल्स के ऊपर। आपका जो भी प्रोफेशन है, आप उसमें सिर्फ अपने टेक्निकल स्किल्स को इन्हेंस करना चाहते हैं और उसी पर काम करते हैं। लेकिन यूएई में, दुबई में, जब एम्प्लॉयर आपकी सीवी देखता है तो वो ये देखना चाहता है कि आपके अंदर क्या ये पोटेंशियल है कि आप सैलरी रेस के लिए डिमांड करें, कि आपके अंदर ये पोटेंशियल है कि आप प्रमोशन के लिए अप्लाई करें। ये सब इंटरपर्सनल स्किल्स की कैटेगरी में आते हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि इंटरपर्सनल स्किल्स होते क्या है, फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, देन उसको अपनी सीवी में किस तरह से ला सकते हैं, एंड द लास्ट हाउ टू इम्प्रूव योर इंटरपर्सनल स्किल्स। सो डोंट मिस आउट दिस वीडियो। टॉप 8 इंटरपर्सनल स्किल्स जानने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि इंटरपर्सनल स्किल्स आखिर होते क्या हैं। सो इंटरपर्सनल स्किल्स वो होते हैं जो कि किसी भी कंपनी के कल्चर को अडॉप्ट करने में, लोगों के साथ कम्युनिकेट करने में, आपने बात किस तरह करनी है, आपने लोगों के साथ मिलजुल के किस तरह से काम करना है, लाइक इफेक्टिव कम्युनिकेशन, लिसनिंग टू अदर्स, एम्पैथी एंड नेगोशिएशन। नाउ यू मस्ट नो कि व्हाई दीज स्किल्स आर इम्पॉर्टेंट। किसी भी कंपनी में अगर कोई आपको हायर करता है तो उसका अपना एक कल्चर होता है, एक वर्क एनवायरमेंट होता है। उसमें एक नया बंदा, फॉर एग्जाम्पल यू, अगर आपको इंटरव्यू लिया जा रहा है तो एम्प्लॉयर सिर्फ आपकी टेक्निकल स्किल्स नहीं देखता, वो ये भी देखना चाहता है कि क्या आप उसकी कंपनी में मिंगल हो सकेंगे, क्या आप उसकी जो वर्क कल्चर है उसको अडॉप्ट कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इन स्किल्स, वैसे तो हम सबके पास स्किल्स होते हैं, अगर आप प्रोफेशनली काम कर रहे हैं अपने लाइफ में और आपके पास 3-4 साल का एक्सपीरियंस है तो ये आपको, आपके पास होंगे ये स्किल्स, आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन शायद आपको पता ना हो एग्जैक्टली कि आखिर ये कौन से स्किल्स हैं और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। और स्पेशली यूएई में जहाँ पे मल्टी कल्चरल लोग रहते हैं, डिफरेंट कंट्री से लोग आते हैं, वो किसी भी कंपनी में बहुत सारे टाइप के लोग होते हैं, तो उनके साथ आप किस तरह से एडजस्ट करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एम्प्लॉयर के लिए, वरना वर्क प्लेस में टेंशन और पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। तो इस चीज़ को कट करने के लिए वो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू ये ज़रूर देखते हैं आपकी टेक्निकल स्किल्स के साथ क्या आपके पास इंटरपर्सनल स्किल्स भी हैं या नहीं हैं। अगर नहीं भी हैं, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयर जो आपको इंटरव्यू ले रहे होते हैं वो थोड़े स्मार्ट भी होते हैं, वो सब जज करते हैं कि ये इस बंदे के अंदर अगर थोड़ा भी मार्जिन है इस चीज़ का कि वो अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स को इन्हेंस कर सकता है तो भी वो प्रायोरिटी दे देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो मैं इंटरपर्सनल स्किल्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ 8 वो आपके अंदर 100% हो, नहीं। अगर उनमें से 1-2 भी आपके पास हैं और एम्प्लॉयर को, इंटरव्यूअर को ये फील हो जाता है कि येस ही हैज़ दिस पोटेंशियल कि ये आगे इम्प्रूव कर सके, तो भी आपके चांसेस हो सकते हैं जॉब लेने के। एंड लेट मी शेयर विद यू, इन 2019 एक सर्वे किया था यूएई की एक कंपनी ने, और उसमें रिसर्च में, सर्वे में ये उनको पता चला था कि 83% लोग जो हैं वो नहीं होते हैं एलिजिबल कंपनी के माहौल को, कंपनी के कल्चर को रिटेन करने के लिए। तो ये 83% मीन्स अ गुड अमाउंट रिया। सो इसकी वजह से कंपनीज में बहुत स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट हो जाता है जिसमें काम करना ना सिर्फ एम्प्लॉयर के लिए बट एम्प्लॉई के लिए, आप और मेरे जैसे लोगों के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है। अपेरेंटली इट डजंट सीम अ बिग डील, लेकिन इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन किस तरह से स्ट्रेस लेवल किसी भी कंपनी में बढ़ा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप इस तरह से अज्यूम करें कि आप अपनी कंपनी में सुबह सुबह जा रहे हैं और कोई आपको ग्रीट ना करे, गुड मॉर्निंग ना कहे, या आपको स्माइल ना पास करे और रूडली आपको देखे, या दो लोग आपस में बात कर रहे हों और आपको देख देख के मुस्कुरा रहे हों, तो डेफिनेटली यू विल फील अनकम्फर्टेबल इन दैट प्लेस। सो ये चीज़ें जो है इंटरपर्सनल स्किल्स की कैटेगरी में आते हैं। नाउ आई विल शेयर विद यू कि आपने किस तरह से उनको अपनी सीवी में ऐड करना है। थोड़ा सा वेरी करता है प्रोफेशन टू प्रोफेशन। अगर आपका जो प्रोफेशन है वो सिर्फ आपके स्किल और आपकी टेक्निकलिटी की बेसिस पर है तो शायद आपको लगे कि ये मुझे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, इंटरपर्सनल स्किल से मेरा क्या वास्ता। लेकिन आप उसको बुलेट पॉइंट्स में अपनी सीवी में ऐड कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप अपनी रिटन कम्युनिकेशन स्किल या नेगोशिएशन स्किल को आप इन्हेंस करना चाहते हैं, हाईलाइट करना चाहते हैं अपनी सीवी में, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि मैंने रीजनल सेल्स का एक प्रपोजल बनाया था और उसमें जो रेवेन्यू जनरेट होता है क्वार्टरली, मेरे प्रपोजल की वजह से 20% उसमें इंक्रीज हुआ था, कंपनी को प्रॉफिट हुआ था। तो इस तरह से आप अपनी रिटन कम्युनिकेशन और नेगोशिएशन के स्किल को इन्हेंस कर सकते हैं विद एग्जांपल। सिर्फ ये लिखना कि आई एम गुड एट रिटन कम्युनिकेशन एंड नेगोशिएशन, दैट इज़ नॉट इनफ। मैंने अपने पिछली वीडियोस में भी कहा है कि अपनी सीवी में आप नंबर ज़रूर ऐड किया करें, इससे बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। और अगर आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी में काम करने के लिए, तो आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं कि एक कस्टमर की प्रॉब्लम आई थी, उसने कंप्लेन की थी, मैंने प्रॉब्लम उसको सॉल्व किया, जिसकी वजह से 50% या 45% या जितना परसेंट भी आपको लगता है कि वाकई काम हुआ है, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन का परसेंटेज बढ़ा मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने की वजह से। तो इस तरह से
अपनी जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं उनको अपनी सीवी में मेंशन करने से ना सिर्फ ये अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एम्प्लॉयर के ऊपर कि आपकी पिछली कंपनी में क्या परफॉर्मेंस रही, इसके अलावा आपका इम्पैक्ट भी अच्छा पड़ता है कि अच्छा इसने अच्छा काम किया अपनी कंपनी में तो ये हमें भी अच्छा काम करके देगा। अब नोट डाउन कीजिए वो 8 इंटरपर्सनल स्किल्स जो कि एम्प्लॉयर को चाहिए होते हैं आपके अंदर। द फर्स्ट वन इज लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग में ये आता है कि आप अपने जो कोलीग्स हैं जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, कोई टीम है, उनकी बातों को अंडरस्टैंड करें, सुने, सिर्फ सुने नहीं और एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दें या ये अपने अंदर जज करना शुरू कर दें कि ये तो ऐसी बकवास कर रहे हैं। उसको आपने अंडरस्टैंड भी करना है क्योंकि हो सकता है जो आपका पार्टनर, आपका कोलीग, आपका टीम मेंबर आपको कुछ बता रहा है वो उस प्रोजेक्ट के लिए वाकई बहुत इंपॉर्टेंट हो, तो इसलिए एक्टिव लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपको लगता है कि आई एम नॉट दिस पर्सन टू लिसन टू पीपल, आई डोंट लाइक, मुझे नहीं पसंद लोगों के मशवरे, लेकिन आपको अगर ये इम्प्रूव करना है जो कि इम्पॉर्टेंट है तो आप इस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं कि जब आपका कोलीग आपको कोई बात बता रहा हो तो आप गौर से सुनने के बाद उससे उसके बारे में क्वेश्चनिंग करें तो अगले बंदे को ये रिस्पॉन्स मिलता है कि अच्छा ही इज़ लिसनिंग टू मी, मुझे इग्नोर नहीं कर रहा, मुझे अवॉइड नहीं कर रहा या मुझे फॉर ग्रांटेड नहीं ले रहा। तो आपने सुन के उसके बाद उसके साथ इंटरेक्शन में आपने क्वेश्चन पूछने हैं और उसको अवॉइड नहीं करना है। इस तरह से आप अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स में ये एक्टिव लिसनिंग के पार्ट को इन्हेंस कर सकते हैं। टीम वर्क, दिस इज़ द सेकेंड वन, एंड टीम वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे भी लगता था कि मैंने जब अपना करियर स्टार्ट किया था, आई एम एन इंट्रोवर्ट सो इट्स फाइन, तो ऐसा होता है कई दफ़ा कि आपको लगता है कि यार इससे काम करवाने से बेहतर मैं खुद ही कर लूँ, बहुत मिस्टेक्स कर रहा है। यू नो यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस दिस टाइप ऑफ पर्सन इन योर कंपनी और अ कोलीग इन योर कंपनी जिसको जिससे काम करवाना ज़रूरी होता है। इवन आपका बॉस भी कहता है कि आप उससे हेल्प ले लो, उससे काम करवा लो, वो आपको जूनियर है, लेकिन जब आप उसको काम देते हैं वो इतनी मिस्टेक्स करता है या इतना उसको या उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाता तो आपको लगता है कि रहने दो मैं खुद ही कर लूँ, उससे बेहतर इतना टाइम क्यों ज़ाया करूँ। लेकिन टीम वर्क में इस चीज़ पर थोड़ा सा कंट्रोल रखने की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। टीम वर्क में आपने दूसरों से काम कैसे निकलवाना है अगर आप थोड़े से हायर लेवल पर हैं, अगर आप थोड़े सीनियर हैं अपने काम में, या अगर आप जूनियर भी हैं, आप किसी के लिए काम कर रहे हैं, आपसे काम करवा रहा है, तो इस बात का माइंड में ख्याल रखें कि अंडरस्टैंड करना सीखें। वही एक्टिव लिसनिंग, अगेन इट विल कम, अगर आप सुनेंगे तभी आप समझेंगे। टीम वर्क इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें इसको आप इम्प्रूव किस तरह कर सकते हैं? आप अपने कोवर्कर की हेल्प कर सकते हैं, इसके अलावा उनको छोटे छोटे टास्क दे सकते हैं कि अगर आपको फॉर एग्जांपल एक बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है और आपको लगता है ये काम नहीं कर पाएगा तो आप पहले उसको छोटा सा काम दे दें ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो आपके साथ और आहिस्ता आहिस्ता आपके काम को समझे, फिर आप उसके साथ अपना बड़ा काम शेयर कर सकते हैं। और फीडबैक लेना मत भूलिए। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इंटरपर्सनल स्किल इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नाउ व्हाट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? कई दफ़ा इस तरह होता है कि आपका जो बॉस है या आपका जो इमीडिएट मैनेजर है वो नहीं चाहता कि डिटेल में आपको बताए, वो सिर्फ आपको हिंट दे देता है कि ये चीज़ें करनी है। अब आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं। दिस इज समवॉट कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग। जब मेरी पहली जॉब थी वहाँ मैंने पहले साल में मेरी बड़ी मेरे बॉस ने मेरी इंसल्ट की, आप लोगों को आता नहीं है, बिकॉज ऑफकोर्स आई वॉज फ्रेशर, आई वॉन्टेड टू लर्न बट आई डिडंट नो हाउ टू डू इट राइट, क्योंकि हम जो पढ़ते हैं दैट इज़ इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम आवर प्रोफेशनल लाइफ। सो बहुत मैंने सुना, लेकिन उसके बाद जब मैंने पिक करना शुरू किया आई अंडरस्टूड कि व्हाट डज ही से, उसको चाहिए क्या। वो अगर कहता है कि ये लाइन ड्रॉ करो तो उसका पर्पस क्या है, वो अगर कहता है कि विंडो को यहाँ से यहाँ कर दो तो उसका पर्पस क्या है, वो अगर कहता है स्पेस प्लानिंग की ये जगह सही नहीं है, यहाँ से यहाँ किचन को यहाँ कर दो, वेंटिलेशन इधर है ये वो। तो इनिशियली ऑफकोर्स आई वॉज न्यू, सो आप भी ऐसे ही होते होंगे, नई कंपनी में आप जाते हैं तो इट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड अ न्यू पर्सन राइट, इट टेक्स लिटिल बिट टाइम, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट योर बॉस वॉन्ट्स फ्रॉम यू, व्हाट डज ही यू नो आस्क, बिकॉज एक दफ़ा बिलीव में ये एक दफ़ा आपका कनेक्शन बन जाता है ना अपने इमीडिएट बॉस के साथ, अपने मैनेजर के साथ, फिर वो आपको कभी जाने ही नहीं देगा उस जॉब से, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि ये एक बंदा है जो कि मुझे अंडरस्टैंड करता है, मैं सिर्फ इसको एक चीज़ बोलता हूँ और ये अपनी तरफ से 10 काम करके आ जाता है जिसमें से सब वही होते हैं जो मुझे चाहिए होते हैं। तो ऐसे बंदे की तलाश हर मैनेजर को होती है, हर HR को होती है, हर कंपनी के एम्प्लॉयर को होती है। सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और बड़ा स्मार्टली इसको हैंडल करना होता है। इसका ईजी वे ये होता है कि अगर आपको मैनेजर जो है वो यू नो फेशियल कोई एक्सप्रेशन आपको दे रहा है या उसका यू नो बॉडी लैंग्वेज, फॉर एग्जाम्पल ही इज एंग्री, ऑफकोर्स वो कह तो नहीं सकता हर वक्त, ही कैन नॉट अब्यूज, ही कैन नॉट से बैड वर्ड्स, सो वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से शो करेगा आपको, यू नो आपको इग्नोर करेगा या देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स, तो आपको उससे असेस करना है कि अभी मैंने क्या करना है, यू नो स्मार्टली मूव करना है। अगर आपको नहीं आता ये सब किस तरह से आपने
नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के साथ अपने आप को इम्प्रूव करना है अपने अंदर, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप आई कॉन्टैक्ट रखें। दिस इज़ द बेस्ट थिंग, बिलीव मी, बिकॉज समटाइम्स बहुत सारे लोग बोल कुछ रहे होते हैं लेकिन उनकी आंखें कुछ और बोल रही होती हैं। अगर आपके अंदर ये सेंस है लोगों को जानने का तो ये बहुत काम आता है। और अगर कई दफ़े इस तरह होता है आपका बॉस बोल कुछ रहा होता है क्योंकि थर्ड पर्सन खड़ा होता है, फॉर एग्जांपल क्लाइंट, उसके सामने वो बात नहीं कर सकता जो कि उसने आपसे करवाना होता है ऑफिस में, राइट? अगर आप प्रोफेशनल हैं, आप यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग, तो आपने आई कॉन्टैक्ट अपना रखना है क्योंकि आंखों से कई दफ़ा जो बॉसेज होते हैं ना वो बातें करते हैं तो आई कॉन्टैक्ट रखना है, लेकिन अब इतना भी आई कॉन्टैक्ट नहीं रखना कि वो यू नो देयर इज़ अ लिमिट फॉर आई कॉन्टैक्ट ऑल्सो। इसके अलावा कई दफ़ा बहुत सारे लोग होते हैं वो हाथों से बातें करते हैं, तो आपने जो उनकी हैंड मूवमेंट और जेस्चर है ना उसको भी फोकस करना है, उस पर भी अटेंशन रखनी है कि आंखें और ये हाथ क्या कह रहे हैं, क्योंकि कई दफ़ा मुंह से वो बात नहीं की जाती जो कि आंखों से और हाथों से की जाती है। द नेक्स्ट वन इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस। बहुत सारी कंपनीज स्पेशली दुबई में, इन अबू धाबी में थोड़ा स्लो है लेकिन दुबई में बहुत फास्ट पेस में काम करती हैं, उनका जो वर्क कल्चर होता है वो फटाफट काम ख़त्म करने वाला होता है, वो लिंगर नहीं करते, वो स्ट्रेच नहीं करते खामखा काम को, अगर आप अच्छी किसी कंपनी में लैंड करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है और प्रोजेक्ट की डेडलाइंस होती हैं, तो बड़ा फास्ट ट्रैक उनका काम चल रहा होता है। तो ऐसे सिचुएशन में आपके अंदर ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस है ये बहुत ज़रूरी होती है। किस तरह से, मतलब क्या होता है ये, फॉर एग्जांपल अगर आपका बॉस कहता है शाम के 5 बज रहे हैं, 6 बजे आपका ऑफ होता है और वो आपसे कहता है कि ये काम कर दो आज सबमिट करना है, तो आपने किस तरह से रिएक्ट करना है ये इंपॉर्टेंट होता है। आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, नंबर वन, अपने फेस पे कोई वो नहीं लेकर आना गुस्सा या नो चिड़चिड़ापन कि क्या मुसीबत है, मैंने अपॉइंटमेंट रखी हुई डॉक्टर के साथ या मैंने अपने बेगम के साथ डिनर पे जाना है या बच्चों को कहीं लेके जाना है। आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है इस सिचुएशन में, दिस इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस। और उसके अलावा आपने अपनी ज़बान को बंद रखना है जब आपको गुस्सा आ रहा हो, दिस इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस। इसके अलावा आप किस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं सिचुएशन को और किस तरह से रिएक्ट करते हैं, दिस ऑल कम्स इन इमोशनल इंटेलिजेंस। आपने किस तरह से इसको कंट्रोल करना है, किस तरह से इस पर काम करना है, सबसे पहली जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि अपने इमोशंस को कंट्रोल रखें। अगर फॉर एग्जांपल आपको गुस्सा आता है तो प्लीज़ ट्राई नॉट टू शो, और उसके लिए कुछ एंगर मैनेजमेंट की, अगर आपकी पर्सनैलिटी में आपका टेम्परामेंट ज़रा यू नो हाई रहता है तो आप अपने थोड़ी प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि देखें प्रोफेशनली ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि आपकी पर्सनैलिटी किस तरह से रिएक्ट कर रही है। दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट दिस। सो अपने गुस्से पे थोड़ा सा वर्कआउट करें, कुछ टेक्निक्स अप्लाई करें, यू नो रिमेंबर दैट लव मूवी ऑफ सलमान खान, जब उसको गुस्सा आता था उसकी हीरोइन उसे क्या कहती थी, 5, 4, 3, 2, 1, और उसके बाद उसका गुस्सा आहिस्ता 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 काम डाउन होने लगा था। मैंने भी वो ट्राई किया था एंड इट रियली वर्क्स, ट्राई दैट। द नेक्स्ट वन इज़ वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन। नाउ वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी मल्टीनेशनल कंपनी, इन एनी वाइट कॉलर जॉब। आप अगर काम करते हैं आपको पता है कि आपने लेटर्स भी लिखने होंगे, आपने ईमेल्स भी लिखनी होंगी, आपने वर्बली भी कम्युनिकेट करना पड़ेगा, नॉट ओनली विद योर बॉस, नॉट ओनली विद योर मैनेजर, बट विद योर कोलीग्स, बट विद योर स्टाफ, तो ये बहुत बहुत इस पर बहुत आपने काम करना है। अपने आप को पोलाइट रखना है, अपने कोई भी वर्ड ऐसे नहीं यूज़ करने के जिससे कोई दूसरा बंदा यू नो इंसल्टिंग फील करे। ये सब एक वर्क कल्चर जो होता है किसी भी कंपनी का, उसका ये पार्ट होता है। और वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये ईमेल्स आप क्लाइंट को भी लिख रहे होते हैं, आप किसी थर्ड पार्टी को भी लिख रहे होते हैं, आप किसी गवर्नमेंट के इदारे को, किसी म्यूनसिपलिटी को भी लिख रहे होते हैं, स्पेशली अगर आपका काम इस तरह का है कि आपने म्यूनसिपलिटी के साथ भी इंटरेक्ट करना है, तो ये रिटन कम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कोर्सेज होते हैं, बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं, उडेमी पे कोर्सेज अवेलेबल हैं, पेड हैं, फ्री भी हैं, आप प्लीज़ उनको ज़रूर देखें और उन पर फोकस करें। अगर आपको लगता है आपके अंदर इस चीज़ की कमी है, आपकी इंग्लिश सही नहीं है या आपकी इंग्लिश राइटिंग सही नहीं है, नॉट सेइंग अबाउट हैंड राइटिंग, आई एम सेइंग अबाउट दिस इंटेलिजेंस वाला राइटिंग, कि आपने किस तरह से लेटर लिखना है, आपने किस तरह से ईमेल लिखना है, पोलाइट वर्ड्स कौन से होते हैं, हार्श वर्ड्स कौन से होते हैं, स्लैंग लैंग्वेज कौन सी होती है, डिसेंट लैंग्वेज कौन सी होती है, प्रोफेशनल लैंग्वेज कौन सी होती है, तो प्लीज़ इस पर थोड़ा सा वर्क करें और इसको सीखें अगर आपको नहीं आता। द नेक्स्ट इंटरपर्सनल स्किल इज नेगोशिएशन। अब नेगोशिएशन में सिर्फ ये नहीं होता कि आप अपने क्लाइंट को आप कन्विंस कर रहे हो, नेगोशिएशन में ये भी आता है, डेली बेसिस के टास्क आते हैं। फॉर एग्जांपल आपने अपने क्लर्क से कहना है कि मुझे प्रिंट आउट ला के दो, सो हाउ डू यू कम्युनिकेट, हाउ डू यू नेगोशिएट विद हिम, दैट ऑल्सो मैटर्स। अपने कोवर्कर से अपने काम निकलवाना है, वो भी आपने नेगोशिएट करना है उसके साथ। आपने किसी से फेवर लेनी है कि यार आधा घंटा और बैठ जाओ काम कंप्लीट कर लें, वो आप किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, किस तरह से नेगोशिएट करते हैं, आपका क्या अब्यूसिव स्टांस होता है, क्या आपका बॉसी स्टांस है, क्योंकि देखिए आप बॉस नहीं हैं, आप भी काम करें कंपनी में। हाँ, उस बंदे से आप काम करवा रहे हैं उसे आप अपर लेवल पर हैं, लेकिन स्टिल रिमेंबर हर इंसान की इज्जत होती है। ऐसा नहीं होता कि कोई अगर आपके साथ जूनियर है या आपके अंडर में काम कर रहा है तो आप उसको
अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करें या उससे रूडली बात करें, कभी कभार गुस्सा आना इज़ फाइन अगर कोई गलती की हो, लेकिन नॉर्मल जो एक नॉर्मल डेज होते हैं जिसमें काम चल रहा होता है स्मूथली, उसमें आपने किस तरह से नेगोशिएट करना है इस पर भी एम्फसाइज करें। द लास्ट वन, प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप किस तरह से क्रिएटिवली सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं अपनी कंपनी में, ये किसी भी करियर में, किसी भी कंपनी में, चाहे मल्टीनेशनल हो चाहे कोई छोटी कंपनी हो, ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आपके इमीडिएट बॉस को, आपके मैनेजर को, आपके जो कंपनी ओनर है उनको पता चल जाए कि यू आर द वन जो कि प्रॉब्लम सॉल्व करने में एक्सपर्ट है, तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी और आपका प्रमोशन भी ज़रूर आपको चाहेंगे कि आपको वो प्रमोट करें, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एक ऐसी चीज़ है, इनफैक्ट आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ही कंपनी में हायर किया जाता है, राइट? उनकी कोई प्रॉब्लम होती है इसीलिए वो आपको हायर करते हैं, ताकि आप उसको सॉल्व करें और वो आपको पे करते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी करियर, इन एनी करियर लेवल, इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर ये स्किल नहीं है, तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं कि देखें, हमेशा कोई भी काम करना हो ना, कोई नया स्टेप आपने उठाना हो, तो हमेशा छोटे से स्टार्ट करें। अगर आपको फॉर एग्जांपल आप 5 years का आपका करियर लेवल है और आप अभी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपके अंदर नहीं है, आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, आपको समझ नहीं आता है, आप यू फील स्टक, तो आप छोटे से स्टार्ट करें। आप आप ऑब्जर्व करें कि आपको जो इमीडिएट सीनियर है वो किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, या आपको जो कोलीग है बड़ा स्मार्ट है, बड़ा आगे बढ़ रहा है, मुझसे ज़्यादा उसका प्रमोशन जल्दी जल्दी हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग उसके अंदर स्किल मौजूद होती है। आप लर्न करें, आप सिर्फ अपने काम पर ध्यान ना दें, अपने कान और आंखें खुली रखें और ऑब्जर्व देम एंड देन लर्न देम एंड देन अप्लाई दैट, ऑल दीज स्किल्स अप्लाई इन योर डेली बेसिस टास्क। तो इसके लिए बहुत अच्छा तरीका यह है कि आप कोई भी छोटा प्रॉब्लम फॉर एग्जाम्पल उठाते हैं और आप उसको उसके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करें कि अगर मैं इसके साथ ये सॉल्यूशन दूंगा तो इसका क्या हल निकलेगा, क्या सॉल्यूशन निकलेगा, अगर मैं इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन दूंगा तो क्या उससे प्रॉब्लम सॉल्व होएगा या नहीं होएगा। तो इस तरह से अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करें और आप आहिस्ता आहिस्ता करके आप अपनी इस स्किल को भी इन्हेंस कर पाएंगे, अपने अंदर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को पैदा कर पाएंगे और इंक्रीज कर पाएंगे कि ऑलरेडी है और आपको पता नहीं है किस तरह से करना है। आई होप आज की वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। मैं अपने क्लाइंट्स के लिए CV लिखती हूँ, मैं अपने क्लाइंट्स के लिए करियर कोचिंग करती हूँ, उनको मैं गाइड करती हूँ कि कैसे दुबई में जॉब ले सकते हैं एंड दे आर सक्सेसफुली गेटिंग जॉब इन दुबई, अबू धाबी, इन कंप्लीट UAE। सो अगर आपको भी मेरी हेल्प चाहिए, प्लीज़ यू कैन चेक आउट माई सर्विसेज पेज ऑन वेबसाइट www.iramzeeshan, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का मेरा हैंडल है iramzeeshanofficial, और यू कैन ईमेल मी आल्सो @iramzeeshan@gmail.com। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।